नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में और मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 2 जनवरी है और बुधवार का दिन है, यानी कि वेंसडे का दिन है। राहु काल का समय 12:26 से लेकर के 1:42 तक रहेगा और नया साल यानी कि 2019 आ चुका है। क्या कुछ रेजोल्यूशंस आपने लिए हैं, क्या कुछ खास तैयारियां आपने करी हैं? वैसे कि 2 तारीख हो चुकी है आज, तो कहीं ना कहीं पर रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने का समय भी निकलता जा रहा है। लेकिन आज के दिन में हम आपके दिन के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही में बात करेंगे क्योंकि बुधवार के दिन में भगवान गणेश की पूजा उपासना करी जाती है। लेकिन भगवान गणेश के अगर आप आइडल्स को देखें, उनकी मूर्तियों को देखें अगर, तो क्या समझ में आता है, क्या आपको दिखाई देता है इनसे? उनके हर एक अंग को कुछ ना कुछ खास इम्पोर्टेंस होता है। गणेश जी के बड़े बड़े कान होते हैं, लंबी सी सूंड होती है, इसके अलावा बड़ी बड़ी आँखें होती हैं और बड़ा सा पेट होता है। तो हर एक अंग जो है भगवान गणेश का उनकी मूर्ति में कुछ ना कुछ कहता है। अगर हम बात करें कि क्या कुछ खास मतलब निकल के आता है, तो देखिए गणेश जी की जो बड़ी आँखें होती हैं, इसका मतलब होता है कि दूरदर्शिता, आप हर चीज़ को स्पष्ट तरीके से समझ लेते हैं। और इससे पहले मैं आपको सभी को बता दूं कि गणेश जी जो थे, सबसे पहले तो इनको विघ्नहर्ता माना जाता है। सबसे पहले देवी देवताओं से सबसे पहले इनकी पूजा उपासना करी जाती है। किसी भी चीज़ का शुभ आरंभ करना हो तो गणपति जी की आराधना सबसे पहले की जाती है। गणपति जी को एक दंत भी कहा जाता है क्योंकि गणपति जी ने अपने एक दांत से महाभारत का पूरा ग्रंथ लिखा था। तो हम बात कर रहे थे गणपति जी के जो अलग अलग अंग होते हैं उनका मतलब क्या होता है, महत्व क्या होता है। तो गणपति जी की जो बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, इसका मतलब होता है दूरदर्शिता और हर चीज़ को सही और गलत समझने की जो सामर्थ्य होता है वो अपने अंदर होना। इसीलिए आपकी आँखों से मतलब नहीं है, जो चीज़ आप फिज़िकली देख रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, आपको हमेशा अपनी आँखें खुली रखनी चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। हर स्थिति में आपको ये समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। इसके अलावा गणपति जी के जो बड़े बड़े कान होते हैं, उसका मतलब होता है कि वो सुनते सबकी हैं लेकिन करते सिर्फ अपनी बुद्धि से हैं, करते सिर्फ अपने दिमाग से हैं, अपने विवेक से हैं। इसीलिए इंसान को भी हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। बड़े बड़े कानों का एक और मतलब भी निकलता है कि दूर की बात सुन लेने वाला। आप सभी समझते हैं इस चीज़ को कि दूर से आने वाले खतरे को भांप लेने वाला। इसीलिए आपको भी हमेशा एक दूरदर्शिता रखनी चाहिए, साथ ही में आप सुनिए सबकी लेकिन हमेशा अपनी सोच और समझ से, अपने विवेक से ही आपको आने वाले समय के लिए डिसीजंस, फैसले लेने चाहिए। बात करें अगर लंबी सूंड की, तो लंबी सूंड का मतलब होता है अगेन फिर से वही बात कि दूर से आ रही मुश्किल को जो इंसान भांप ले, उसे कहा जाता है कि आप हर चीज़ को, हर अपनी समझदारी से उस चीज़ को समझ लें कि आपके सामने क्या मुश्किल, क्या खतरा आने वाला है। अगर बात करें कि भगवान गणेश का मोटा उदर है, यानी कि पेट काफ़ी मोटा है, यानी कि हर चीज़ को डाइजेस्ट करने वाला, हर चीज़ इनके अंदर, अपने आप के अंदर समा लेने वाला, तो कोई भी बात ऐसी है, आपको बहुत शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी चीज़ के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी बात किसी से भी कह दें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, अगर आप गणपति जी की पूजा उपासना करते हैं तो उनकी इन खूबियों को भी अपनाइए, उनकी इन क्वालिटीज़ को भी अपने अंदर लेकर के आइए। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और नया साल जैसे कि शुरू हो चुका है, सो आई विश ऑल ऑफ़ यू कि आप इस नए साल के साथ अपने जीवन में भी कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि सिर्फ पूजा पाठ कर लेना, सिर्फ रोज़ भगवान के आगे बैठ जाना, वही काफ़ी नहीं होता है। ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को भी अपने अंदर इन्हांस करना शुरू करें। चलिए इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं राशियों की। मेष राशि, फर्स्ट कार्ड द सन एंड द सेकंड कार्ड इज 2 ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए आज प्रयास सफल रहेंगे, हालांकि मान सम्मान आप लोगों के लिए बढ़ेगा, धन प्राप्ति के योग भी नज़र आ रहे हैं और ये आज का दिन जो है कहीं ना कहीं पे आपके लिए कुछ नया ज़रूर लेकर के आएगा, लेकिन संतान की चिंताएं रह सकती हैं। उपाय क्या करना है आज आप लोगों को, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना आज के दिन में काफ़ी लाभकारी रहेगा। टॉरेंस के लिए कार्ड निकल रहे हैं द टेम्परेंस एंड 8 ऑफ कप्स। तो वृषभ राशि वालों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है, आज आपका आत्मसम्मान काफ़ी बढ़ चढ़ कर रहेगा, दौड़ धूप रह सकती है लेकिन आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प अर्पित करना धन प्राप्ति के योग बनाएगा। मिथुन राशि, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है, तो आज शत्रु भय रह सकता है, कोशिश करनी है विवाद को अवॉइड करें। आज कोई भी महत्वपूर्ण कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा छोटा सा उपाय, आज घर के ईशान कोण में दीपक जलाना लाभकारी रहेगा।
कर्क राशि, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है, तो आज कोई भी कीमती वस्तुएं हैं उन्हें संभाल करके रखें, कुसंगति से बच करके चलें। ऐसे लोग जो कि आपको नकारात्मक सोच, नकारात्मक कोई भी गलत एडवाइस देते हैं, उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए। आज फालतू खर्च बढ़ रहा है तो उसे भी आप लोग अवॉइड कीजिए। संध्या काल के समय तुलसी में दीपक जलाना आज लाभकारी रहेगा। सिंह राशि, सेवन ऑफ पेंटाकल्स एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है, तो वाणी पर नियंत्रण रखना आज आपके लिए ज़रूरी है। नौकरी में हालांकि तरक्की के योग बन रहे हैं, कानूनी मामलों में थोड़ा सा सतर्क हो जाइए आज। घर के ईशान कोण में लैवेंडर एसेंस का प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, विरोधी परास्त होंगे। चलिए बात करेंगे कन्या राशि, द स्टार एंड टू ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकलता है, यात्रा नौकरी और निवेश आपके लिए काफ़ी लाभदायक रह सकता है आज। कहीं ना कहीं पे आपको जिसने पैसा दिया हुआ था वो वापस मांगने के लिए कहीं आपसे उम्मीदें भी रखेगा, या आपने अगर किसी को कर्जा दिया हुआ तो वो आपका पैसा वापस मिल सकता है। कानूनी अड़चनें आज दिखाई दे रही हैं। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग का मिष्ठान या नारियल की बर्फी आपको भोग लगाना बेहद लाभकारी है, कर्जे से छुटकारा मिलेगा। तुला राशि, द हर्मिट एंड द डेविल कार्ड निकलता है, तो तुला राशि वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण कार्य में रुचि बढ़ेगी, कोशिश करनी है जल्दबाजी से बचेंगे आज। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिल रहा है, तो जितनी एक्सपेक्टेशंस, जितनी उम्मीदें थी आपकी वो पूरी जरूर होंगी। मंदिर में चूरमे का प्रसाद आप भोग लगाएंगे। चलिए बात करेंगे स्कॉर्पियोज की, और कार्ड निकल रहे हैं सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, तो लेन देन में आज सावधानी बरतनी है, कोई नई योजना बनाते हुए नजर आ रहे। कार्यप्रणाली में काफ़ी हद तक आज सुधार हो रहा है और रुके हुए काम भी आप लोगों के लिए पूरे होंगे, लेकिन अपने टारगेट्स को आप बिल्कुल भी उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि आज हो सकता है कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस नज़र आ रही। घर के उत्तर पूर्व की दिशा में पीले रंग के पुष्प लगाना आपके लिए लाभकारी है। धनु राशि, टू ऑफ वॉन्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्स कार्ड निकल रहा है, तो रोजगार में प्रगति के योग नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अच्छा है, और आज जो व्यवसाय कर रहे हैं खुद का, उन लोगों के लिए यात्रा से लाभ जरूर होगा। गोल्डन कलर का इस्तेमाल करना आज आपके लिए बेहद लाभकारी है। मकर राशि की बात करते हैं, फाइव ऑफ पेंटाकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी आप लोगों की, कोर्ट कचहरी का कोई मामला था तो उसमें अनुकूलता दिखाई दे रही है। अपनी वस्तुओं को संभाल करके रखें, चोरी आदि होने का खतरा रह सकता है आज, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। शिव चालीसा का पाठ करना आज आपके लिए लाभकारी रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, नाइन ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड निकल रहा है, चोरी और चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है, वाद विवाद की वजह से भी आज हानि संभव है, थोड़ा संभल जाए कुंभ राशि वाले लोग। जल्दबाजी और भाग दौड़ में आकर के कोई काम नहीं करना है, आवश्यक व्यय ही करेंगे तो बेहतर होगा। आज के दिन में माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन करना, उनकी पूजा उपासना करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। मीन राशि, थ्री ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है, तो जीवन साथी से सहयोग आज आपको जरूर मिलेगा। कानूनी अड़चनें जो हैं आज वो दूर हो रही हैं, थोड़ी सी काफ़ी हद तक प्रसन्नता रहेगी, किसी न किसी चीज़ को लेकर के एक्साइटमेंट रह सकती है। शारीरिक कष्ट कहीं ना कहीं पे संभव है, तो अपनी हेल्थ इश्यूज़ को निग्लेक्ट मत कीजिएगा। गणपति जी को आज मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाना आपके लिए अच्छा है, आर्थिक समस्याएँ खत्म होंगी। और इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप लोग जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ, और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही जाकर यूट्यूब पर एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।